तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं यूपीआई और आईएमपीएस के बारे में। इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम जानेंगे एनईएफटी के बारे में। एनईएफटी क्या है और कैसे इसके जरिए हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके चार्जेस क्या हैं। तो दोस्तों, एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। और दोस्तों, एनईएफटी की जो शुरुआत है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2005 में की थी। इसके जरिए बैंक ग्राहक के एक दूसरे के अकाउंट से ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं। आज सभी बैंक में इसकी सुविधा है, मतलब आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आप एनईएफटी से ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनईएफटी आरटीजीएस और आईएमपीएस से बिल्कुल ही अलग है। आईएमपीएस और आरटीजीएस में क्या होता है कि आपका भेजा गया पैसा तुरंत सामने वाले के खाते में क्रेडिट हो जाता है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं है। एनईएफटी में बैंक द्वारा सेट किए टाइम टेबल में ही आपका पैसा सामने वाले को मिलता है। अब दोस्तों, बात आती है एनईएफटी वर्क कैसे करता है। तो जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एनईएफटी सेटल टाइमिंग पर आधारित है, मतलब कि एक निश्चित टाइम टेबल इसके लिए बनाया गया है बैंकों द्वारा। उसी टाइम टेबल के अनुसार आपका ऑनलाइन भेजा गया पैसा सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होगा। यानी कि बैंक की छुट्टियों के समय जब आप किसी को एनईएफटी से पैसा भेजते हैं तो सामने वाले को पैसा बैंक खुलने के बाद ही मिलेगा। जैसे कि संडे को आपने किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा भेजा तो वो पैसा उसके अकाउंट में मंडे के दिन आएगा। एनईएफटी से आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे के बीच में जो है पैसा भेज सकते हैं, तो आपका पैसा आधे घंटे के जो है सामने वाले को मिल जाएगा आधे घंटे में। अगर शाम को 5:30 बजे के बाद आपने एनईएफटी की है तो वो अगले दिन जब बैंक खुलेगा उसी वक्त जो उसके आधे घंटे के अंदर अगले वाले के यानी कि सामने वाले के अकाउंट में पैसा जाएगा। दोस्तों, एनईएफटी का जो समय है वो सभी बैंकों का अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं एसबीआई का बताना चाहूँगा, एसबीआई का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम को 5:30 बजे तक के इस समय अंतराल में भेजा गया पैसा उसी दिन जो है आधे घंटे में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि एनईएफटी से पैसा कैसे भेजें। तो दोस्तों, एनईएफटी से पैसा भेजने के दो तरीके हैं। एक आप ऑनलाइन जो है नेट बैंकिंग के थ्रू भेज सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन यानी कि ब्रांच में जा करके आप एनईएफटी करवा सकते हैं। तो पहला तरीका है कि ऑनलाइन कैसे हम जो है पैसा भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नेट बैंकिंग में जिसको भी पैसा भेजना है उसको रजिस्टर करना होगा, एज ए बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। उसको रजिस्टर करने के लिए जिस व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं आने वाले टाइम में भेजना चाहते हैं, तो उसको एज ए बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए उसका नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होना ज़रूरी है। एक बार रजिस्टर करने के बाद फिर आप तब चाहें उस व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं, या तुरंत भी या आने वाले टाइम में कभी भी। दूसरा जो तरीका है गाइज वो है ऑफलाइन, यानी कि ब्रांच में जाकर के आप एनईएफटी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना है और वहाँ एनईएफटी ट्रांजैक्शन फॉर्म लेकर भरना है, जिसमें व्यक्ति की अकाउंट डिटेल जैसे कि नाम, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम, जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसकी डिटेल भरनी है। अब आपको अमाउंट के साथ वो फॉर्म जमा कर देना है जो आपने भरा है एनईएफटी के लिए। अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप चेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर आपका पैसा सामने वाले के अकाउंट में मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, एनईएफटी से हम कितना पैसा भेज सकते हैं, कितनी इसकी लिमिट है और इसके चार्जेस क्या हैं। तो दोस्तों, बता दूं एनईएफटी में आप 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जो है मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, बता दूं मिनिमम और मैक्सिमम की ये लिमिट सभी बैंकों के लिए है। आपका खाता किसी भी बैंक में हो आप पर यही लिमिट लागू होगी। तो दोस्तों, अभी बात आती है चार्जेस की। तो जाहिर सी बात है, अगर बैंक आपको मनी ट्रांसफ़र की सुविधा दे रही है तो वो अपना थोड़ा बहुत चार्ज तो लेगी। तो जिसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10,000 रुपये तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें ब्रांच जो है आपसे 2 रुपये 50 पैसे का चार्ज लेगी और इंटरनेट बैंकिंग का 2 रुपये का चार्ज अलग होगा। वहीं अगर आप 10,000 से 1 लाख रुपए तक जो है ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक का जो चार्जेज है वो 5 रुपये होगा और इंटरनेट बैंकिंग का चार्जेज होगा 4 रुपये। और अगर आप 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक करते हैं तो ब्रांच का जो चार्ज है वो 15 रुपये है और नेट बैंकिंग का 12 रुपये होगा। और अगर आप 2 लाख रुपये से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जो है 25 रुपये देने होंगे ब्रांच का जो चार्ज है, और वहीं अगर इंटरनेट बैंकिंग का चार्ज है वो 20 रुपये आपका लगेगा।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि NEFT क्या है और ये कैसे काम करता है। अगली वीडियो में हम बताएंगे RTGS के बारे में, तब तक आप हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद।